हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय होकर और आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। आज वीडियो होने वाली है स्प्लेंडर बाइक पर। स्प्लेंडर बाइक पर कैसे, आज हम करेंगे इसका स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट कैसे कि ये हमारी होने वाली है 100 cc बाइक और यहाँ पर ये MN हाईवे, ये तो हाईवे पर चेक करेंगे स्पीड। हम नॉर्मल सड़क पर नहीं करेंगे, मतलब सिंगल रोड पर, क्योंकि इस पर रिस्क रहता है। हम बड़े मतलब हाईवे पर करेंगे, हाईवे पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये वैसे खाली पड़ा है हाईवे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लिटिल लिटिल। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं ये कितनी भागेगी बाइक। फ्रेंड्स, मैंने पहन लिया हेलमेट, क्योंकि जब बाइक चलाते हैं नॉर्मल भी स्पीड टेस्ट थी, जो नॉर्मल भी चलाते हैं तो हेलमेट होता है फर्स्ट प्रायोरिटी। सो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे हैं आप। बैठिए, जूम करिए। एक बार बंटू उतर जा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारी बाइक, अभी देखे कितनी चढ़ान थी ऊपर। सो फ्रेंड्स, बाइक 70 ही भाग पाई, क्योंकि ऐसे चढ़ाव था ऊपर फ्लाई ओवर पर। तो अब आगे देखेंगे कितनी चलेगी, एक बार और दिखाऊं वहाँ पर। चलो अब बैठ जाओ पीछे, देखते हैं आप कितनी भागेगी। अब चेक करते हैं, चौका जगह फोन फिल्टर पकड़ रहा है जूम। सो फ्रेंड्स, आपने देखी होगी वीडियो, ये मैं बटन उठा लेता हूँ। आपने देखी होगी वीडियो कि हमारी बाइक जब ऐसे चढ़ाव था फ्लाई ओवर पर, जब तो गई हमारी ये 70-75 तक। और अब देखिए उधर दिखाओ, देखिए अभी डांड था थोड़ा सा, तो अब गई हमारी 90 95 जाती है स्प्लेंडर नॉर्मल। और हमारी वैसे हमको लग रहा है कम भाग रही है, क्योंकि हमने लगवा रखा है फैट टायर, इसकी वजह से। इसका भी रिव्यू देंगे अगले आने वाली वीडियो में। सो फ्रेंड, हमें तो लग रहा है इसकी वजह से ही पिकअप भी कम लग रहा है। तो बाइक तो हमारी गई 90-95 जाती है नॉर्मल स्प्लेंडर बाइक। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और हम खड़े हैं शामली बाईपास, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरठ सिक्का शामली। और दोस्तों, जो सामने वाला रोड है वो जाता है सीधा सहारनपुर। और फ्रेंड्स, अब आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं।